हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विद्युत विश्वास एंड वेलकम टू माय चैनल हिडन जेम ऑफ स्टॉक मार्केट बाय विद्युत विश्वास। फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ए कंपनी नेम टाइटन कंपनी नेम लिमिटेड। और आप लोगों को सबको पता है इस कंपनी के बारे में, नया करके बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। इस कंपनी का फंडामेंटल क्या है, बिजनेस क्या है, आप लोगों को सबको पता है। जैसे मैंने मेरा निफ्टी एनालिसिस वीडियो में ऑलरेडी बता दिया, कंज्यूमर गुड्स जो सेक्टर है वो सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो वो सेक्टर से कोई स्टॉक हम लोगों को चूज करना चाहिए। तो इस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें से मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ फ्रंट लाइनर जो होता है उसको पहले चूज करता हूँ, क्योंकि कोई सेक्टर अगर रन करता है तो उसमें फ्रंट लाइनर पहले मूव करते हैं, उसके बाद उसको जो बैक बेंचर्स है वो मूव करता है। और अभी के दिन में मार्केट में तो कचरा बहुत चल रहा है, तो कचरा अगर लोगे फ्रेंड्स तो उसमें कई भी दिन लोअर सर्किट लग रहा है, लेकिन इतना जो आप फ्रंट लोअर सर्किट लग सकता है, तो आप लोग अगर फ्रंट लाइनर के साथ रहोगे तो लोअर सर्किट लगने का उतना ना चांस नहीं रहता। हाँ, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन ये कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। टाइटन के लिए मैंने बहुत वेट किया, क्योंकि 2 साल तक ये मतलब एक रेंज बाउंड। और चलो, इसमें मैंने जैसे आप लोगों को सबको पता है जे मैंने क्या क्या पॉइंट चेक करता हूँ, किसी एक स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या क्या पॉइंट है, मैंने हमेशा 5-6 पॉइंट का जो हेल्प लेता हूँ। गुड टेक्निकल चार्ट होना चाहिए, उसका रिस्क मेरा फेवरेबल होना चाहिए, और उसको एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखना चाहिए, और ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है वो मैंने चेक करता हूँ। और इसके पास गुड ब्रांड है, और डेप का भी सस्टेनेबिलिटी सब्सटेंशियली लोअर होना चाहिए। तो पहले चलो मैंने टेक्निकल चार्ट पहले देख लेता हूँ, टेक्निकल चार्ट मेरे लिए सब कुछ है। तो टेक्निकल चार्ट अगर अच्छा नहीं है तो मैंने वो स्टॉक में, अगर डेली चार्ट में देखोगे तो कॉन्स्टेंट एक अप मूव ये दे रहा था इस जगह पे से। मैंने अगर एक ट्रेंड लाइन टाइप का ड्रॉ किया, उम्मीद है मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स को ले लिया। देखो इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन के साथ लास्ट मतलब 6 महीने से वो ट्रेंड लाइन के साथ, और इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और उसके ऊपर उसको फॉलो थ्रू कैंडल भी मिला। हाँ, जो मेरे को जो इस जगह पे देखो जो एवरेज वॉल्यूम था, एवरेज वॉल्यूम तो काफी अच्छा है, जो ये बुलिश एक फर्स्ट कैंडल था जो उसके साथ वॉल्यूम भी था, वो कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया था, लेकिन थोड़ा नीचे आ गया था, उसमें वॉल्यूम उतना ज्यादा नहीं था, फिर से उसमें वॉल्यूम जनरेट हुआ इस कैंडल में ऊपर जाने कोशिश किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल में तुरंत उसने एक रेड कैंडल दिया, और लेकिन उसमें भी वॉल्यूम कम था। अभी मतलब जो ब्रेक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया वो एवरेज वॉल्यूम है, और कैंडल मतलब लेकिन उसको फॉलो थ्रू कैंडल मिल रहा है, थोड़ा सा वॉल्यूम वीक है, तो मेरे को लगता है कहाँ ना कहाँ पे ये लाइन शायद वो रिटेस्ट करेगा, तो 1400 के आसपास फिर से 1390 उसके आसपास आने का चांस है, तो उसके आसपास आएगा तो मैंने इसमें एंट्री करने का सोचूंगा। और मैंने सबसे क्यों बुलिश ज्यादा, जैसे आप अगर मंथली चार्ट देखोगे इस जगह पे एक लास्ट 2 साल से एक कॉन्स्टेंटली सॉरी ये हाईएस्ट पॉइंट एक सप्लाई जोन पहले मार्क कर लेते और ये मैक्सिमम रिजेक्शन जो पॉइंट है जिसको टच करके बार बार रिजेक्ट हुआ, तो आप अगर देखोगे इस जगह पे कॉन्स्टेंटली रिजेक्शन उसको मिल रहा था, तो उस सप्लाई जोन के ऊपर अभी जो अप ट्रेंड दिया उसको कंटिन्यूअसली वॉल्यूम सपोर्ट किया इस जगह पे, 2-3 कैंडल जो एक दो महीना जो कंसोलिडेट किया था उस जगह पे वॉल्यूम थोड़ा सा राइट डाउन था, और इस महीने मतलब लास्ट महीने जो अगर देखेंगे हम लोग नवंबर महीने एक बहुत ही बड़ा बुलिश कैंडल दिया था, उसको वॉल्यूम भी सपोर्ट था। इस महीने तो अभी जस्ट 3-4 सेशन ही हुआ तो वॉल्यूम उतना सपोर्टेड नहीं है, तो लेकिन ये ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट मेरे को टाइटन में दिख रहा है, तो शायद जैसे डेली चार्ट में उतना वॉल्यूम सपोर्ट नहीं है तो इस जगह पे शायद रिटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो 1390 के आसपास मिलेगा तो मैंने इसमें जैसे वीकली चार्ट पे भी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देख रहा है, तो टेक्निकल चार्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो, इसमें अगर मेरा एनालिसिस रॉन्ग होगा तो मैंने कहाँ पे निकल जाऊंगा। मैं जनरली लास्ट जो स्विंग लो होता है उस जगह को मैंने टारगेट करता हूँ, हमेशा जैसे 1300 के आसपास है, 1300 के आसपास वीकली क्लोजिंग बेसिस पे ये अगर होगा तो मैंने निकल जाऊंगा इसमें से। तो और जैसे अभी प्राइस है 1437, तो 1437 से 1300 ऑलमोस्ट 140 पॉइंट का एक रिस्क है, तो लगभग लेकिन ये 10% का नीचे है, तो इतना रिस्क तो मैंने लूंगा। मैं 1390 के आसपास लूंगा तो मेरा रिस्क 5-6% में आ जाएगा, तो मेरा जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो उसमें टाइटन मैंने ऐड करूंगा विथ 5-6% रेट, और वीकली क्लोजिंग बेसिस पे अगर 1300 का नीचे क्लोज देगा तो मैंने इसमें से एग्जिट कर जाऊंगा। थोड़ा अभी फंडामेंटल देख लेते, फंडामेंटल सबको पता है टाइटन का, इसके पास बहुत ही अच्छा
बहुत सारे ब्रांड्स जो है, सॉरी जैसे टाइटन को तो सबको पता है, इसका वॉच, इसका टाइटन आई, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉच मेकर ग्लोबली, 11K+ मल्टी ब्रांड्स आउटलेट्स। तो 11,000 का ऊपर मतलब मल्टी ब्रांड्स आउटलेट्स है इसके पास। नंबर टू बाई वॉल्यूम रैंकिंग इन द स्मार्ट वेयरेबल कैटेगरी इन इंडिया, 4 times इन द फोर्ब एशिया, 52.8 billion एनुअल रिवेन्यू एंड 7,500 एम्प्लॉई एंड 1,700+ स्टोर एंड 12 billion मार्केट कैपिटलाइजेशन। चलो इसके अभी देख लेते ब्रांड्स क्या क्या है, आप लोगों को सबको पता है टानिक्स के बारे में, इंडियाज लीडिंग ज्वेलरी ब्रांड है। टाइटन सबको पता है, टाइटन का जो इन लोगों का जो फ्लैगशिप वॉच ब्रांड है, और हम लोगों से कभी कमी आदमी होगा जो टाइटन का वॉच नहीं पड़ा पहना। और रागा जो है एक्सक्लूसिव वुमेन्स वॉच ब्रांड है, तो ये भी सबको पता है ये रागा के बारे में। फास्टैग तो अभी काफी मतलब एक पॉपुलर यूथ ब्रांड है। सोनाटा इंडिया लार्जेस्ट सेलिंग वॉच ब्रांड है। स्किन लीडिंग परफ्यूम ब्रांड इन इंडिया एंड तनेरिया स्पेशल ओकेशन वेयर सारी ब्रांड एंड टाइटन आई प्लस। तो आजकल सबको पता है कि मतलब स्टेटस सिंबल हो गया टाइटन आई, जो टाइटन आई से मतलब आपको अगर चश्मा पहन रहे हो तो टाइटन आई से ही आप लोग लेते हो। तो इतने सारे जो लीडिंग ब्रांड्स है, तो मैंने जो एक पॉइंट उसमें था ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यूर, ये सब ब्रांड के साथ आप कहीं ना कहीं ये सब ब्रांड्स का प्रोडक्ट आप लोग यूज कर ही चुके हैं। तो हम लोगों को रेगुलर मतलब इसके साथ हम लोग जानकारी है रेगुलरली, और हम लोग देखते हैं आसपास सबके पास। तो इसको ब्रांड वैल्यू जो है बहुत ही अच्छा, जो मेरा इधर गुड ब्रांड जो है वो पॉइंट, अभी तो 2 points जैसे मेरे को देखना है वो है इसका सस्टेनेबिलिटी है या नहीं। चलो इसमें देख लेते टाइटन। टाइटन का अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे, जैसे जून क्वार्टर में उतना अच्छा नहीं था, वो तो सबको पता है, मतलब कोविड के वजह से मैक्सिमम स्टोर बंद होकर पड़ा था और उसके वजह से लॉस आया। लेकिन सितंबर क्वार्टर में अगर देखेंगे, ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर 2019 का सेल्स था वो रिकवर कर लिया, लेकिन प्रॉफिट अभी तक उतना रिकवर नहीं किया, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि वो तो कोविड का थोड़ा बहुत इफेक्ट ही है। लोग अभी बाहर नहीं निकल रहे, स्टोर में नहीं जा रहे, तो एक प्रॉब्लम तो है। तो मैंने अगर 2009 से देखेंगे, ईयर आफ्टर ईयर इसका देखो सेल्स ग्रो किया, कंटिन्यूअसली सेल्स ग्रो किया। इधर 2013 से 2015 तक थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया था, 2016 तक भी है, लेकिन 2017 से आप देखोगे फिर से कंटिन्यूअसली ग्रो किया। इस जगह पे 11,000 करोड़ का सेल्स थे, 13,000 करोड़, 16,000 करोड़, 19,000 करोड़, 21,000 करोड़, ये साल में तो आपको पता ही है एक दो क्वार्टर का उतना अच्छा नहीं गया कोविड की वजह से, तो थोड़ा इस साल नहीं पकड़, लेकिन अगर लास्ट 4 साल से देखोगे, 4-5 साल से कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। लेकिन अब अगर चार्ट में देखोगे लास्ट 3 साल से लगभग कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं फंडामेंटल के हिसाब से भी एक मूव तो पेंडिंग है। और दूसरा जो है डेब, अगर देखोगे डेब ऑब्वियसली इसका काफी हाई है, 3,400 करोड़ का डेब दिख रहा है। लेकिन अब फ्रेंड्स एक बात सोचो, जो कंपनी का मतलब 21,000 करोड़ का सेल्स है, उसके सामने ये 3,400 करोड़ का डेब मतलब उतना ज्यादा नहीं है। और आप अगर देखोगे उसके पास रिजर्व भी 6,200 करोड़ का रिजर्व है, तो काफी अच्छा है। तो मतलब इसका इसके सामने 6,200 करोड़ का रिजर्व के सामने इतना डेब मतलब उतना कोई बड़ा बात नहीं है इतना बड़ा कंपनी के लिए। तो फ्रेंड्स मेरा जो 5 point है सब कुछ मतलब इसमें, जो 5 point आप लोगों को बोला था वो सब कुछ इसमें मतलब मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें मैंने जो स्टेटस है मैं इसको बाई करूंगा, और ऑब्वियसली बाई करूंगा, लेकिन मेरा जो रिस्क है वो हमेशा मैं एक स्टॉप लॉस के साथ बाई करूंगा इसको। तो स्टॉप लॉस जैसे 1,300 के आसपास मैंने इसको रखूंगा। फ्रेंड्स नाउ अभी खत्म करने के पहले एक चीज आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो मतलब आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर उसमें लाइक एंड कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, तो मेरा थोड़ा व्यू बढ़ेगा। और दूसरा जो बात है, आप लोग अगर मेरा साथ जुड़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जिसमें मैंने काफी सारे लर्निंग वीडियोस वगैरह शेयर करता हूँ, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। चलो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।